नवचेतना आइडिया वीडियो जन्म से 3 साल के बच्चों की माताओं के लिए। नमस्ते, आज की मीटिंग में आई हुई सभी माताओं का हार्दिक स्वागत है। पिछले हफ्ते की मीटिंग की शुरुआत हमने एक मजेदार खेल से की थी। दिखाई गई गतिविधियों में बच्चा दुनिया के साथ खुद को भी कैसे समझने लगता है यह देखा, तथा बच्चे के टीकाकरण के बारे में जानने के लिए वीडियो देखा। आपने वीडियो में दी गई जानकारी समझी होगी तथा दिखाए हुए खेल बच्चों से करवाए होंगे। चलिए इन सभी के अनुभव यहाँ सबके साथ साझा करते हैं। आपके अनुभव बताने तक वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। चलिए अब आगे की गतिविधि करते हैं, जिसका नाम है मिलकर कुछ करते हैं। इस सप्ताह का मजेदार खेल खेलते हैं, जिसका नाम है बोरी की दौड़। सभी माताएं एक रेखा पर खड़ी रहें, हर एक के पास एक बोरी होगी। सभी को बोरी में अपने दोनों पैर डालकर खड़े रहना है। कुछ दूरी पर एक रेखा खींचें। अब लीडर माता द्वारा 1, 2, 3 बोलने पर प्रत्येक माता को बोरी समेत दौड़कर अंतिम रेखा पार करनी है। जो माता सबसे पहले रेखा पार करेगी वह विजेता होगी। यह मजेदार खेल खेलने तक वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। आशा है इस खेल का आनंद सभी माताओं ने लिया होगा। चलिए अब आगे की गतिविधि करते हैं, जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। छोटे बच्चे कभी कभी खुद को अनजाने में खतरे में डाल देते हैं। अगर वो खतरे हम पहले से समझ लें तो बच्चों को खतरों से दूर रखना आसान हो सकता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि बच्चों को खतरों से कैसे दूर रखें। बच्चों की सुरक्षा के लिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। बच्चों को नहलाते समय पानी में कभी अकेला ना छोड़ें। घर की साफ सफाई करने के लिए उपयोग में लाने वाले पदार्थ या केमिकल बच्चों से दूर कहीं सुरक्षित जगह पर रखें। नुकीली चीजों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। घर के सभी बिजली के सॉकेट बच्चों की ऊंचाई से ऊपर लगवाएं और उन्हें कभी भी खुला ना छोड़ें। बच्चे को झूले में या पलंग पर अकेला ना छोड़ें। दवाइयों की बोतल या गोलियां बच्चों की पहुंच से दूर सुरक्षित जगह पर रखें। बच्चों को जलने वाली चीजों जैसे लाइटर, माचिस, गर्म इस्त्री आदि से दूर रखें। बच्चों की जरूरत वाली चीजें और खिलौने हमेशा साफ सुथरा रखें। बच्चे अकेले खेल रहे हों तो उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा उनके साथ रहें। बच्चे को ऊंचे टेबल या कुर्सी पर अकेले ना बिठाएं। यह जानकारी समझने तक वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। इस जानकारी का फायदा आपको कैसे हो सकता है, सभी माताएं बारी बारी से बताएं। चलिए अब आगे की गतिविधि करते हैं, जिसका नाम है घर जाकर बच्चों के साथ करें। दिए गए खेलों से बच्चा गाने के प्रति अपनी पसंद नापसंद जताने लगता है। गाने कहानी से बच्चे का शब्द भंडार बढ़ता है। बच्चे और लोरी का सदियों पुराना रिश्ता है। बच्चे को जागते या सोते समय गाने सुनाने से माँ बच्चे का रिश्ता और गहरा होने लगता है। इस उम्र में बच्चे लोरी या गानों का आनंद लेना शुरू करते हैं। आप जितने गाने बच्चों को सुनाएंगे बच्चा उतना खुशी महसूस करेगा। इस उम्र में आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का विशेष गाने के प्रति लगाव होने लगता है। बहुत सारे गानों में से उसे कुछ गाने पसंद आने लगते हैं। इस उम्र में बच्चा अपनी माँ से अपने पसंद की कहानी या गीत सुनना तथा सुनाना पसंद करता है। बच्चे के आयु वर्ग अनुसार खेल समझने तक वीडियो यहाँ पॉज करते हैं। आशा है आपको आपके बच्चे के आयु वर्ग अनुसार कौन सा खेल खेलना है यह समझ आया होगा। अगले सप्ताह की मीटिंग तक यह खेल अपने बच्चों के साथ हर रोज
कुछ समय निकालकर जरूर खेलें। आज की गतिविधियां यहां पर समाप्त हो रही हैं। ऐसी ही और नई जानकारियों और गतिविधियों के साथ अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना व बच्चों का ख्याल रखें और हंसते खेलते रहें। धन्यवाद।